प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप इससे पहले गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास को आपने पढ़ा, ऑडियो और वीडियो क्लिप के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई गई। आज हम बात करते हैं पद्य साहित्य यानी काव्यांजलि से एक प्रथम कवि, प्रथम पाठ के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ पाठ पवन दूती का। उससे पहले हम एक संक्षिप्त विवरण डालते हैं, प्रकाश डालते हैं इनकी जीवनी के ऊपर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में हुआ था। 1865 ईस्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद क्षेत्र, निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मिणी देवी, और इन्होंने ये इतने अधिक प्रतिभाशाली थे कि पाँच वर्ष की आयु में फारसी भाषा के माध्यम से इनकी शिक्षा। अपनी विशेष प्रतिभा के बल पर अयोध्या सिंह उपाध्याय शिक्षण अपना अध्ययन बीच में छोड़ करके तो अध्याय करने के लिए अपने घर चले गए। उससे पूर्व इन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए, वर्ना क्यूलर मिडिल पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये चले गए थे जो एक वाराणसी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। फिर इन्होंने दो अध्याय के बल पर अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया, जो आपके जीवन में विस्तार रूप में मिलेगा, उसे आप अध्ययन और करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 20 वर्ष तक राज की सेवा में यानी कानूनगो पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद आवर्तनिक रूप में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। अपने पूरे जीवन काल में साहित्य से जुड़े रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के यहाँ लिखा हुआ पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली में है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली का लिखा हुआ पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का ही एक अंश है पवन दूती का। इस महाकाव्य, यह महाकाव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि हिंदी साहित्य में जुड़ने के बाद एक नया आयाम प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य के। असीम प्रतिभाशाली हरिओद जी अपने पूरे जीवन काल में साहित्य की सेवा करते रहे। साहित्य की सेवा करते करते 1945 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। खड़ी बोली के उन्नायक, प्रिय प्रवास के लेखक जो एक महाकाव्य के रूप में पहली बार हिंदी साहित्य में आया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की देन, उसी काव्य से लिया हुआ एक अंश पवन दूती का पाठ को आप खोलेंगे। पवन दूती का पाठ के पहले पद्यांश पर हम प्रकाश डालते हैं, पहले पद्यांश डालते हैं। पवन दूती का में राधिका जी, कृष्ण की प्रेमिका, राधिका जी अपने घर के भवन में एक कमरे में एकांत स्थल पर बैठे थे। आप जानते हैं जब हम एकांत में होते हैं तो जाहिर सी बात हम कुछ अलग सोचते हैं, तो राधिका जी ने अपने कमरे में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में सोचा। पहला पद में पढ़ता हूँ, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आपके आंसू दीर्घ जुगल में धरा को भिगोते, आई धीरे इस दन में पुष्प दिगंध कोले, प्रातः वाली सुपोन इसी काल वातायनो। छात्र छात्राओं ध्यान देंगे, किताब जो आप खोलेंगे पवन दूतिका का पहला पद्यांश से ये, बैठी खिन्ना, खिन्ना होता दुखी, खिन्ना का अभिप्राय होता दुखी, बैठी खिन्ना एक, यहाँ पर एक लिखा हुआ, एक लिखा हुआ यानी कि ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया काव्य साहित्य में। बैठी खिन्ना एक माने एक दिन राधिका जी दुखी मन से अपने महल के एक कमरे में बैठी हुई थी, तभी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम विरह के बारे में सोच रही थी। उसी समय आके आंसू दीर्घ जुगल यानी उनके दोनों आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें टपक रही,
प्रेम बिना भाव से व्यथित राधिका जी की आंखों में आंसुओं की बूंदे निकल करके धरती पर गिर रही थी। तभी हीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। जब वह प्रातःकाल अपने भवन के कमरे में बैठी हुई कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में सोच रही थी, बिरह अवस्था में दुखी राधिका जी की आंखों से आंसुओं की बूंदे निकल करके धरती पर गिर रही थी। तभी प्रातःकालीन वातावरण से सुगंध को, पुष्प के सदगंध को लेकर के एक सुगंधित वायु कमरे में प्रवेश करती। ऐसे वो कमरे में आती है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः काली सुपवन सुंदर पवन काल के इसी प्रकृति के गोद से निकल करके, प्रकृति के वातावरण से निकल करके पुष्प के सुगंध को लेकर के राधिका जी के कमरे में प्रवेश करती है और उन्हें स्पर्श करती है। उस स्पर्श मात्र से उनका विरह दुख और भी बढ़ जाता है। दशम उपाध्याय हरियत की अगली पंक्ति इस बात का एक प्रमाण है कि राधिका जी किस प्रकार दुखी थी। प्रातःकालीन पवन के स्पर्श से उनका दुख कितना बढ़ा उसमें अगले पद्यांश में लिखा, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली क्या दुख उसमें श्रीमती राधिका हो, प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है सताती, क्या तभी कसित हुई काल की। जब राधिका जी के शरीर पे, उनके अंगों पर जब प्रातः काल सुगंधित वायु का शीतल स्पर्श होता है तो उनका विरह दुख और भी बढ़ जाता है। उस विरह दुख के बढ़ने के कारण की आंसुओं की बूंद धरती पर गिरती है। तब वो मन में सोचती है, मन में एक देती उलाहना देती है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुख, शीतल पवन के स्पर्श से जब उनके शरीर का दुख और भी बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उस दुख को न सह पाने के कारण उन्होंने क्या कहा, धीरे बोली, धीरे से उन्होंने पवन को, पवन से उस शांत वातावरण में पवन को कह रही है, हे पवन क्या तू भी प्रातः, प्यारी पवन इतना क्यों मुझे सताती, हे पवन तू प्रातः काल निकल करके प्रकृति की गोद से बाहर आकर के हमारे पास पहुंच करके हमें इतना क्यों परेशान कर रही हो, हमारे विरह दुख को और क्यों बढ़ा रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई काल की, क्या बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए प्रकृति के इस संदर्भ में क्या तू भी दूषित हो गई है, तू भी हमें कष्ट देने के लिए हमारे पास आ रही हो। इस प्रकार से उन्होंने, राधिका जी ने उस पवन रूपी दूत को, प्रातःकालीन पवन को एक उलाहना पेश करती है, अपने मन भाव को व्यक्त करती हैं कि हे पवन तू जिस प्रकार से हमें दुखी कर रही है, व्याकुल कर रही है, परेशान कर रही है, ऐसा मत कर, क्या तू भी हमें कष्ट देने के लिए बनी है। पद्यांश की समाप्ति के परस तीसरे पद्यांश में राधिका जी ने अपने अंतर मन के दुख को और भी व्यक्त किया। उस पवन से क्या कहा, मेरे प्यारे मैं कब से दुखी हूं, मेरा मन कब से दुखी है, कब से व्याकुल है, इस बात का उन्होंने, क्या मेरे प्यारे नव जलस से, कंस से नेत्र वाले, जाके आयन मधुबन से ओन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो। हे पवन अब तुम आ गई हो, जब तुम मेरे पास आ गई हो तो मेरा एक संदेशा मेरे प्रियतम तक पहुँच, जो इस समय गोकुल नगरी ब्रजधाम को छोड़कर के मथुरा में निवास कर रहे हैं, वो राजा बन चुके हैं और हमें भूल गए हैं, हमारा विरह दुख उनके न होने पर और भी व्याकुल हो रहा है, मैं व्याकुल हो रही हूँ, अब तुम्हारे आने से हमारा कष्ट और भी बढ़ गया, परंतु अब तुम हमारा दूत बन करके बताओ उन्हें, मेरे प्यारे नव जलस से कंस, मेरे प्रियतम नव जलद, नए बादल जो नवीन बादल जल भर करके आकाश में श्यामल बादल उड़ रहे हैं, कंच से चमक से कंच के समान चमकते हुए नेत्र वाले, बादलों के समान काले नेत्र वाले मेरे प्रीतम, जाके आए मधुबन से, जब से मधुबन से यानी ब्रज नगरी से, गोकुल नगरी से मथुरा धाम को गए हैं, लौट करके हमारे पास नहीं आए, और आज तक वो कैसे हैं, किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, एक भी संदेशा हमारे पास नहीं भेजा, उनके विषय में, उनके बारे में मैं सोच सोच करके व्याकुल हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि वो कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, किस अवस्था में होंगे,
मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। हे पवन, मैं अपने प्रीतम के शोक में, प्रीतम के दूर होने के कारण मैं रो रो करके पागल हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ। अब तुम जाकर इन मेरी सब दुख, जाकर मेरा सब दुख शाम को तो तुम मेरे पास से जाओ और मेरे संपूर्ण कष्टों को हमारे प्रीतम कृष्ण बता दो, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो कि संपूर्ण गोपियां किस प्रकार। इस अवस्था को जान करके, हमारे दुख को तुम्हारे माध्यम से जान करके, हो सकता है कि उन्हें हमारी शुद्धि आ जाए और हमारे पास वापस हो। इस प्रकार राधिका जी इन तीन पद्यांशों के माध्यम से आपको व्याख्या, राधिका जी अपने मन के दुख को, अपने मन के भावों को पवन से व्यक्त कर रही हैं। और अग्रिम पंक्ति में, अगले कार्य दिवस पर जो अग्रिम पंक्ति आपको पढ़ाई जाएगी, अगला पद्यांश, तो उसमें राधिका जी के, राधिका जी ने पवन को क्या संदेशा दिया, किस रूप में जाने की बात कही, उसका वर्णन हम आगे वाले पद्यांश करेंगे। इन तीन पद्यांशों को आपने ध्यान होगा तैयार करने की, यदि कोई समस्या होती है तो आप हमारे फोन के माध्यम कर सकते हैं।